हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीटीआई प्रवेश परीक्षा 2020 का जो होने वाला है फीटर ट्रेड या मॉडल पेपर 7 के रूप में है। आपको यहाँ पे फ्री लाइव क्लास ये मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी आपको फीस नहीं देना है और आप डेली इस लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कराऊंगा 900 MCQs जो कि फिटर ट्रेड और टर्नर और मशीनिस्ट वेल्डर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक से लेकर ऑलरेडी 100 नंबर तक क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 100 नंबर का था, वो क्या था क्वेश्चन, किसमें दिया था कि जो द फ्लैंक एंगल एंड द फार्म आप फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक बाय द यूजिंग एन, यानी कि फाइन स्क्रू थ्रेड का पासर और कोड तथा स्वरूप जांच के उपयोग के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने करेक्ट आंसर आपको बताया था यहाँ पे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 101 नंबर का। अगर आपको ये आंसर पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिया है द टाइप ऑफ जिग इन विच बेस प्लेट इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड, यानी कि जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है, बेस प्लेट इज नॉट अवेलेबल, बेस प्लेट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेट जिग, बॉक्स जिग, पोस्ट जिग या लैच जिग। तो जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है उसको कहा जाता है प्लेट जिग, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 102 नंबर। दिया है इन ए बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन, यानी कि जो टोल बाइलेटरल है द्विपार्षिक प्रणाली है उसमें जो टॉलरेंस दिया जाता है उस टॉलरेंस को कितना अलाउ किया जाता है, कितना अनुमति दिया जाता है। वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइज यानी कि वास्तविक आकार के एक तरफ, वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज यानी कि सांकेतिक आकार के एक तरफ, या बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज यानी कि सांकेतिक आकार के दोनों तरफ, या फिर बोथ साइड ऑफ एक्चुअल साइज यानी कि दोनों साइड में दिया जाता है एक्चुअल साइज के। तो यहाँ 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज यानी कि सांकेतिक आकार के दोनों तरफ टॉलरेंस अलाउ किया जाता है, टॉलरेंस की अनुमति दिया जाता है बाइलेटरल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 103 नंबर। दिया है यहाँ पे मेलिबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच हेल्प इट टू मैन्युफैक्चर, यानी कि मेलिबिलिटी मीन्स क्या होता है, आघात वर्तनीयता, जो गुण होता है मेटल के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग में सहायता करता है, रॉड्स को, प्लेट्स को, थिन शीट्स को या वायर में, यानी कि मेलिबिलिटी को आपको आघात वर्धनीयता से हम क्या करते हैं, आपको पता होगा मेलिबिलिटी एक धातु का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, ये जो धातु है उसको प्लेट में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 104 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दिया है द पार्ट ऑफ वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर विच इज नॉर्मली यूज इन रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इज द, यानी कि जो बोल रहा है द पार्ट ऑफ वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का पार्ट जो है विच इज नॉर्मली यूज, जो नॉर्मल यूज में लाया जाता है एक संदर्भ पॉइंट के, संदर्भ बिंदु के, फॉर मेजरिंग एंगल इज यानी कि जो एंगल मेजर किया जाता है रेफरेंस पॉइंट के उसको क्या कहते हैं, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का वह भाग का नाम बताना है आपको। तो ब्लेड बोलते हैं उसे, स्टॉक बोलते हैं या डिस्क बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं, बताइए। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपका जो CTI का एंट्रेंस एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैप्टर वाइज PDF लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक दिया हूँ जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का वह पार्ट का नाम बताइए जो मेजर एंगल को मेजर करता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट होगा, उसे स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 105 नंबर। दिया है द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाय, यानी कि जो माइक्रोमीटर की शुद्ध परिशुद्धता है कैलिपर्स का और डायल इंडिकेटर का वो चेक किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि एक्यूरेसी जो चेक किया जाता है माइक्रोमीटर कैलिपर्स और डायल इंडिकेटर का वो किसके द्वारा चेक किया जाता है, स्लिप गेज के द्वारा, फिलर गेज के द्वारा या रिंग गेज के द्वारा या प्लग गेज के द्वारा, ये बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मैं बता दूं करेक्ट आंसर स्लिप गेज के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 106 नंबर। दिया है
पर्पज ऑफ टेम्परिंग स्टील इज, यानी कि स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि स्टील की टेम्परिंग का क्या उद्देश्य होता है? टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कि कठोरता और दृढ़ता को नियंत्रण करना। टू रिड्यूस ब्रिटलनेस, यानी कि ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है, भंगुरता को रिड्यूस करना, कम करना। टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि आंतरिक जो तनाव एवं ऐठन से मुक्त करना, या आलाब्दी एवं उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो आलाब्दी एवं होगा, यानी कि जो हम स्टील की टेम्परिंग की करते हैं वो सभी को कम कर, यानी कि कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रण करने के लिए, बुरबुरापन यानी कि ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, और आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन है उससे मुक्त करने के लिए। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आलाब्दी एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। देखिए दोस्तों जितने भी लाइव लोग हैं प्लीज़ इसको सेशन को लाइक करिए दोस्तों, यही हमारा मोटिवेशन होता है आपका लाइक ही। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए। 107 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एज दी कटिंग स्पीड इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम कटिंग स्पीड में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है वो बताना है। तो याद रखिए जैसे हम कटिंग स्पीड की जो इंक्रीज करते हैं, कटिंग स्पीड इंक्रीज करते हैं तो वर्कपीस तथा टूल दोनों को अधिक ऊष्मा पारेषित होता है ना, ट्रांसमिट होता है, दोनों अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 108 नंबर, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दिया मोर्स टेपर इज वन ऑफ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टेपर, यानी कि मोर्स टेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। द मोर्स टेपर आर अवेलेबल इन नंबर फ्रॉम, यानी कि जो मोर्स टेपर है वो नंबर में अवेलेबल है, कितना से कितना तक वो बताना है, 0 से 6 तक, 0 से 8 तक, या 0 से 7 तक, या 1 से 8 तक। तो जो मोर्स पेपर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सेप्ट किया गया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 7 तक, ठीक है, जो अवेलेबल नंबर है वो 1 से 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, दिया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग एंड कूलिंग फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज कार्ड, यानी कि वांछित गुणधर्म, ठीक है, प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो तापन की और शीतलन की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट, उसमें उपचार कहते हैं। उसमें उपचार में हम क्या करते हैं कि जो हम लोगों के पास जो भी आयरन या धातु होता है उसे एक क्रिस्टल टेम्परेचर के नीचे या ऊपर वर्क करना पड़ता है। क्रिस्टल टेम्परेचर से जब ऊपर वर्क करते हैं तो उसे हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, और जब उसे नीचे करते हैं क्रिस्टल टेम्परेचर से तो उसे कोल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 110 नंबर, दिया है द रफनेस ग्रेड नंबर N1, 2 and 12 कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप, यानी कि जो रफनेस ग्रेड है नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक, इसे हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल, और उसे सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्टिल इन यूज, जो भी अभी प्रयोग में लाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेटर द फाइन सरफेस, इनमें से कौन सा जो सिंबल है जो फाइन यानी कि जो सूक्ष्म सतह को प्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म सतह को इंडिकेट करता है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना जो 4 त्रिभुज की तरह बने ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 111 नंबर, दिया है ए स्टील वर्क पीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मैकेनिकल विथ HSS, HSS का फुल फॉर्म याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेक एंगल इज बेस्ट सुटेड फॉर कटर, यानी कि उस तनन सामर्थ्य का इस्पात वर्क पीस HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील मिनी कटर के साथ मशीनित होने के लिए हैं। कटर के लिए निम्न से कौन सा ढाल कोण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जो कटर के लिए सर्वाधिक ढाल उपयुक्त है वो करेक्ट आंसर है 8 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 112 नंबर, दिया है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लीफ सेंटर नोज, ठीक है, यानी कि लीफ सेंटर नोज का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 60 होगा, अंतर्विष्ट कोण कितना होगा 60 अंश। मैं कहता हूँ कि अपने CTI एग्जाम से पहले 1x1 आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख जाइए। आप अगर कहीं भी दुकान पे रहते हो या अपना थोड़ा सफ़र में हो तो आपका वीडियो इतना लंबा नहीं बन रहा है,
10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो आप बैठे हों, सोए हों, कहीं भी हों, तो आप एक एक वीडियो देखते जाइए सीरियल वाइज, आपका CTI का एग्जाम का तैयारी में क्लियर कराने का गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 113 नंबर दिया है, फॉर क्लीनिंग द मेजरिंग फेसेस ऑफ स्लिप गेज द लिक्विड इज यूज्ड इज, यानी कि स्लिप गेज के मेजरिंग फेजेस की सफाई के लिए तरल का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, किरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोरोफिल या सोलूबल आयन। तो जो हम जो लिक्विड यूज मिलाते हैं मेजरिंग फेस की सफाई के लिए, वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लाते हैं यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर दिया है, द सेंसिटिवनेस ऑफ स्पिरिट लेवल डिपेंड अपॉन, यानी कि जो सेंसिटिवनेस है स्पिरिट लेवल का वो किस पे डिपेंड करता है, उस पर उसको बताना है। साइज ऑफ द बबल पर, यानी कि बुलबुले के अमाप पर, माप पर, लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब पर, यानी कि ग्लास ट्यूब की लंबाई पर, या जो टाइप ऑफ लिक्विड फिल इन द ग्लास ट्यूब, यानी कि जो लिक्विड ग्लास ट्यूब में भरा है उस पर निर्भर करता है, या कर्वेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी कि कर्वेचर पे, ग्लास ट्यूब के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी कि स्पिरिट लेवल की सुग्रातन किस पे निर्भर करती है, कांच की नली की वक्रता पर, कर्वेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर दिया है यहाँ पे, वाइल सेटिंग एंगल विथ साइन बार, यानी कि जब हम लोग सेटिंग करते हैं एंगल का साइन बार से, विथ साइड ऑफ द राइट एंगल डज द साइन बार रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा राइट एंगल हमें साइन बार के रूप में रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट साइड, एडजस्टेंट साइड, अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है, एडजस्टेंट मतलब बगल वाला संनिकट वाला साइड को, या हाइपोटेनियस यानी कि विकर्णी भुजा को, या बोथ अपोजिट एंड एडजस्टेंट। तो देखिए जो भुजा साइन बार को निरूपित करता है वो करेक्ट आंसर 115 का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि विकर्ण भुजा जो होता है वो शो करता है साइन बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 116 नंबर दिया है, द साइज यानी कि आकार बेस ऑन विच डायमेंशनल डेविएशन आर गिवेन इज, यानी कि वह आकार जिसके आधार पर विमीय विचलन दिए जाते हैं कहलाता है, एक्चुअल साइज यानी कि वास्तविक आकार, बेसिक साइज यानी कि मूल आकार, या मिनिमम लिमिट साइज यानी कि आकार की न्यूनतम सीमा, या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज यानी कि साइज की अधिकतम सीमा। तो जो साइज होता है ना जिसके आधार पर विमीय विचलन किया जाता है उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बेसिक साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 117 नंबर दिया है, एनी नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कैन बी ऑप्टेन ऑन मिलिंग मशीन बाय, यानी कि ऐसा नंबर मिलिंग मशीन पर जो समान विभाजन की कोई भी संख्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, या डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, या डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो 117 का करेक्ट आंसर सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर दिया है, वाइल ड्रिलिंग इन लेथ, यानी कि जब ड्रिलिंग में ड्रिलिंग किया जाता है, ठीक है, द ड्रिल चक इज हेल्ड इन द, यानी कि ड्रिल चक किस में हेल्ड किया जाता है, लेथ में जब ड्रिलिंग किया जाता है लेथ के द्वारा, तो ड्रिल चक किस में हेल्ड किया जाता है, हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कंपाउंड रेस्ट में, या बेड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लेथ मशीन से है। जी करेक्ट आंसर, टेल स्टॉक में क्या रखा जाता है, ड्रिल चक को पकड़ा जाता है, यही बताना है आपको, किस में पकड़ा जाता है, टेल स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर दिया है, द एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू थ्रेड इज, यानी कि बी एस डब्ल्यू जो थ्रेड है उसका एंगल बताना है। तो बी एस डब्ल्यू का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 155 डिग्री होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 120 नंबर, टूल मेकर बटन मेड ऑफ, यहाँ पे बटन होगा तो टूल मेकर बटन बताना है आपको, यानी कि टूल मेकर बटन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्लास्टिक का, ब्रॉन्ज का, कास्ट आयरन का, या हार्डनेस स्टील का। जी तो टूल मेकर जो बटन होता है वो हार्डेंड स्टील का बना होता है। इस प्रकार हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। सभी वीडियो आपको CTI फिटर नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, फिटर टर्नर मशीनी, CTI फिटर टर्नर मशीनी, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियो। और आपको अपनी तैयारी के लिए CTI इंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर टर्नर मशीनी से होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज होगा आपके एग्जाम के लिए, और उसके और डिटेल में भी
हर एक आंसर का डिटेल फैक्ट बताया गया होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करिए।